से स्वागत है आपका एग्जॉटिक बर्ड्स किंगडम में। दोस्तों आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जिसके रिगार्डिंग कल रात मेरे को 3 से 4 कंटिन्यू कॉल आए कि प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो बर्ड्स थे उनके साथ में एग बाइंडिंग का मसला हो रहा था। किसी के बर्ड जो है वो 2 से 3 दिन हो गए थे जो है वो एग ले नहीं कर पा रहे थे, किसी के जो है वो परेशान थे, एग दिख तक रहा था उनके और वो जो है वो ले नहीं कर पा रहे थे। तो एग बाइंडिंग के कल मेरे पास 4 केसेस आए तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूं और उसमें सारे दोस्तों को इस प्रॉब्लम का सलूशन बता देता हूं कि आई थिंक एज फार एज आई कंसर्न अभी तक किसी ने एग बाइंडिंग के बारे में ना तो कोई वीडियो बनाया, अगर बनाया तो वो सिर्फ जो है वो एग जब बाइंडिंग होती है उसको कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं जो एग बाइंडिंग को सिर्फ जो है जब एग बाइंडिंग हो जाती है तो उसको निकालते हुए दिखाते हैं। एग बाइंडिंग को रोकना कैसे है और अगर आपके बर्ड के साथ में एग बाइंडिंग का मसला हो जाता है तो उसका सलूशन क्या है, उस केस में उसको कौन सी दवा देनी चाहिए और कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये बर्ड हमारा जो है इस तरीके के जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो एग बाइंडिंग के सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से कि कभी भी आप देखो कि आपका बर्ड जो है वो ब्रीडिंग सीजन में एग के ऊपर है, एग देने वाला है, एग ले करने वाला है और जो है वो एग ले नहीं किया, उसने टाइम हो गया, क्रॉस भी कर रहा था और सजा सडन आप देख रहे हैं कि बर्ड आपका ठीक था और उसके बाद फूल के बैठ गया है और उसकी टेल जो है उसको हिला रहा है और पर जो है उसके फूले से हुए हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे होते हैं एग बाइंडिंग के। तो आप सबसे पहले अपने बर्ड्स को पकड़ेंगे, चेक करेंगे, उसकी वेंट चेक करेंगे, अगर फूली हुई है, लाल है तो सबसे पहले आपका काम उसके ऊपर होगा कि आप ऑलिव ऑयल के 2 जो है ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना है। देखेंगे अगर एग ले कर देती है फीमेल तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको क्या करना है कि कालूफाइलम 200, आपको कालूफाइलम 200 की पोटेंसी में लेना है। उस केस में जब बर्ड आपका फूल चुका हो और आपको लग रहा हो कि इसके साथ अगर जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मर जाएगा, तब आपको जो है वो 200 की पोटेंसी कालूफाइलम की लेनी है और 1 चम्मच लेना है, उसमें पानी लेके 2 ड्रॉप कालूफाइलम के डालने हैं और उसको अच्छे से शेक करके और उसके 2 ड्रॉप आप ड्रॉपर से लेंगे और अपने बर्ड को पकड़ेंगे और सीधे उसकी हालत में उतार देंगे। इस तरीके से आपको 4 घंटे के अंदर ये दवा जो है वो 3 बार पिलानी है मैनेज करके कि 4 घंटे में आप इसको इस तरीके से 3 बार ये दवा पिला दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ये एग ले कर देगी। अब इसके जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसे कैसे बचा जाए कि आपके बर्ड को जो है वो एग बाइंडिंग का मसला ना हो, तो फ्रेंड्स आप ये करेंगे कि कालूफाइलम की 30 पोटेंसी आप अपने घर में रख लेंगे और आपके बर्ड्स जब ब्रीड करने वाले हों, खास करके जब आपके जो है नए पेयर लगे हों, न्यू फैंसियर जो अपने सेटअप लगाते हैं, न्यू पेयर्स ही उनके होते हैं जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करने जाते हैं, तब उनको आप 30 की पोटेंसी में आप जब आपके बर्ड क्रॉस करना शुरू कर दें, क्रॉस करने के 5 से 6 दिन के बाद, क्योंकि 8 से 9 दिन में जो है क्रॉस करने के बाद एग ले कर देती है फीमेल, तो 5वें 6वें दिन में आके आपको जो है वो 1 लीटर में कम से कम जो है 10 ड्रॉप मिला के ऐसे सभी बर्ड्स को अपने ये जो है कालूफाइलम 30 पोटेंसी में अपने बर्ड्स को 3 दिन तक पिला देना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरीके के एग बाइंडिंग के मसले नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके के मसलों को निपटने के लिए कभी किसी ने नहीं बताया तो मैंने कहा आज ये जो है वो प्रॉब्लम जो कल रात कई सारे फोन्स मेरे पास आए न्यू फैंसियर्स के, पुराने फैंसियर्स के, तो मैंने कहा इसको बिल्कुल क्लियर करता चलूं। और क्या करना है आप लोगों को, अपने जो बर्ड्स हैं ये एग बाइंडिंग का जो मसला होता है कभी कभी तो जो है बर्ड थोड़ा सा हैवी वेट हो जाता है और पहली बार ब्रीड करता है तो उसमें जो है इसका एग बाइंडिंग का मसला आता है और उसके बाद क्या होता है कई बार जो है हम लोग बर्ड्स की जो सीड्स हैं उसमें ऑयली सीड्स नहीं डालते लाइक अ कनेरी सीड। आप कनेरी सीड का यूज अपने सीड मिक्स में करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल इस तरीके के मसले जो है वो आने कम हो जाएंगे और जो मैंने दवा बताई है कालूफाइलम 200 की पोटेंसी में इमरजेंसी केस में यूज करेंगे, जब बर्ड आपका फूल के बैठ जाए, टेल हिलाने लगे, उस केस में यूज करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको कालूफाइलम जो है वो 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल मुझे यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है कि आपके बर्ड्स का जो एग बाइंडिंग का मसला है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारा चैनल है द एग्जॉटिक बर्ड्स किंगडम इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियोस हैं आपको अच्छे लग रहे हैं उनको लाइक करें और जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया।